पाठ का शीर्षक है बुंदेली कहावतों में कथा प्रसंग। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कहावतों का अर्थ और स्वरूप समझ सकेंगे, कहावतों की सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डाल सकेंगे, कहावतों के निर्माण की आधार भूमि बता सकेंगे। बुंदेली कहावतों के साथ जुड़े कथा प्रसंग प्रस्तुत कर सकेंगे और बुंदेली लोक समाज की रचनात्मकता को सामने ला सकेंगे। कहावत अथवा लोकोक्ति दैनिक लोक जीवन के भाषिक व्यवहार में प्रमुखता से अपनाया जाने वाला सुभाषित रूप है। कहावत अथवा लोकोक्ति एक ऐसा संपूर्ण कथन होता है जिसके द्वारा अभिव्यक्ति में तीव्रता और प्रभाव पैदा किया जाता है। इसके समावेश से भाषा में बल, संप्रेषणीयता और प्रभविष्णुता बढ़ जाती है। कहावत या लोकोक्ति शब्द से यह अर्थ ध्वनित होता है कि यह ऐसी लोकमान्य और लोक प्रचलित उक्ति है जो कही जाए अथवा जिसका सामान्य बोलचाल में प्रचलन हो। यहां सवाल यह उठता है कि कही तो सभी बातें जाती हैं, अतः कहावत अलग कैसे है? तो इसका उत्तर यह है कि कहावत या लोकोक्ति में कही गई बात का संबंध किसी सामान्य सत्य से होता है जिसमें लोक का कोई व्यापक अनुभव छिपा होता है। इस प्रकार कहावत का आधार सामान्य सत्य या लोकानुभव होता है, विशेष सत्य या वैयक्तिक अनुभव नहीं। कहावत मूलतः बुद्धि साहित्य लिटरेचर ऑफ विजडम है। लॉर्ड रसेल के शब्दों में यह अनेक की बुद्धि का परिपाक किंतु एक की विदग्धोक्ति है। लोकोक्तियों की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं, वे प्रायः सूत्र रूप में होती हैं, उनकी भाषा बोलचाल की या घरेलू होती है और प्रायः चटपटापन लिए होती है। रचयिता का नाम लोक साहित्य की अन्य विधाओं की भांति ही अनाम होता है। मार्गरेट ब्रायन के अनुसार कोई भी कहावत ज्ञान गर्भित होती है अथवा उसमें किसी उपमा या रूपक का समावेश होता है। ये कहावतें पूरे वाक्यों के रूप में हो सकती हैं, जैसे जो गरजते हैं बरसते नहीं, विद्वानों द्वारा निर्मित उक्तियों के रूप में हो सकती हैं, जैसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुकबंदी के रूप में हो सकती हैं, जैसे उत्तम खेती मध्यम बान निखत चाकरी भीख निदान, क्रिया प्रधान मुहावरे के रूप में हो सकती हैं, जैसे खीसे निपोरना, क्रियाहीन मुहावरे के रूप में हो सकती हैं, जैसे आकाश कुसुम, तुलना से युक्त हो सकती हैं, जैसे काजल से काली। हिंदी में कहावतों की साहित्यिक परंपरा भी है और लोक परंपरा भी। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने ग्रंथ लोक साहित्य की भूमिका में कहावत अथवा लोकोक्ति को अनुभव सिद्ध ज्ञान की विधा माना है। मानव ने युग युग से जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया है उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है। ये चिरकालीन अनुभूत ज्ञान के सूत्र हैं। समास रूप में चिर संचित अनुभूत ज्ञान राशि का प्रकाशन इनका प्रधान उद्देश्य है। शताब्दियों से किसी जाति की विचारधारा किस ओर प्रवाहित हुई है, यदि इसका दिग्दर्शन करना हो तो उस जाति की लोकोक्तियों का अध्ययन आवश्यक है। किसी न किसी सामान्य अनुभव पर आधारित होने के कारण कहावत में कहानी जैसी रोचकता और कुतूहल तथा गीत जैसी गति व ध्वनि होती है। संतुलित संवेदनशीलता से युक्त
कहावत छोटे से मार्मिक कथन के रूप में होती है, जिसमें लोक के अनुभव का सार छिपा होता है। इसमें सच्चाई, ईमानदारी, सांसारिक व्यवहार पटुता, सूक्ष्म लोक दृष्टि, गहरी लोक बुद्धि और पैनी लोक वाणी शामिल होती है। इनमें लोक व्यवहार के सूत्र छिपे होने के कारण इनका उपयोग दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहावतों को मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र मानते हैं। कहावत निर्माण की पृष्ठभूमि के संबंध में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहावतें बनती क्यों हैं? दरअसल लोक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालने वाली किसी पुरानी घटना की स्मृति द्वारा लोक शिक्षण अथवा लोक रंजन के लिए ही लोक भाषा में कहावतों का जन्म होता है। दूसरी ओर इस पुरानी घटना की वर्तमान से संबद्धता कहावत की प्रासंगिकता का आधार बनती है। यह पुरानी घटना किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक या लोक के दैनिक जीवन के किसी प्रसंग पर आधारित होती है। उस पूरे घटना प्रसंग का निचोड़ होने के कारण कथन में कहावत के सम्मिलित होने से वह पूरा घटना प्रसंग बिना दोहराए ही पुनः स्मृत हो आता है। वह घटना प्रसंग किसी न किसी रूप में लोक स्मृति का अंग होता है। अतीत की स्मृति पर आधारित होने के कारण कहावतें वर्तमान में भी एक से अधिक लोगों के काम आती हैं और अभिव्यक्ति को व्यंजनापूर्ण बनाती हैं। कहावतें सामान्य सत्य पर आधारित होने के साथ ही किसी सामाजिक सच को सामने लाने का काम भी करती हैं। उनका संबंध मानव स्वभाव के साथ हो सकता है, किसी अपराध और उसके निराकरण से हो सकता है, सामाजिक न्याय से हो सकता है, प्रकृति से प्राप्त होने वाली सीख से हो सकता है, अथवा सांकेतिक रूप में की गई आलोचना से हो सकता है। ये सभी बातें व्यापक समाज से संबंध रखने वाली होती हैं, इसलिए इनसे संबंधित कहावतों को लोक व्यवहार की कसौटी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोई कहावत एक दिन में स्थिर नहीं होती, बल्कि उसके पीछे सहस्राब्दियों का लोकानुभव विद्यमान रहता है। यह लोकानुभव विभिन्न प्रकार की कहावतों में व्यक्त होता है, जिनके अनेक वर्ग हो सकते हैं, जैसे बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित कहावतें, पर्व त्योहारों पर केंद्रित कहावतें, मानव चरित्र पर केंद्रित कहावतें, प्रकृति पर केंद्रित कहावतें, स्थानों पर केंद्रित कहावतें, समाज की विश्व दृष्टि पर केंद्रित कहावतें, पशु पक्षियों पर केंद्रित कहावतें आदि। कहावत अथवा लोकोक्ति की परिभाषा और अवधारणा को समझने के बाद हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि हिंदी की अलग अलग बोलियों में अनेक प्रकार की कहावतें पाई जाती हैं। हिंदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बोली बुंदेली की कुछ कहावतों की चर्चा करते हुए हम उनमें निहित कथा प्रसंगों पर आगे प्रकाश डालेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा बुंदेली में अत्यंत समृद्ध लोक साहित्य उपलब्ध होता है। स्वाभाविक है कि अभी तक भी यहां लोक कंठ में अनेक कहावतें विद्यमान हैं। बुंदेलखंड की लोक संपदा कहावतें नामक ग्रंथ में डॉक्टर ब्रजनंदन सिंह यादव ने ठीक ही कहा है कि बुंदेलखंड की कहावतों के मूल में जो किंवदंतियां एवं कथाएं उपलब्ध हैं, वे कहावतों की शक्ति और उनकी व्यापकता को समझाती हैं। इनके माध्यम से पता चलता है कि लोक समाज अपने अनुभवों,
जीवन की घटनाओं और सौंदर्य बोध को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। इतना ही नहीं, इनसे कहावतों और किंवदंतियों एवं कथा प्रसंगों के पारस्परिक संबंध का भी पता चलता है। यह इनका अन्योन्य आश्रित संबंध है। कहावतें सुनकर किंवदंतियां उभरती हैं, कथा प्रसंग याद आते हैं और किंवदंतियां तथा कथा प्रसंगों के मन में उभरते ही कहावतें आंखों के सामने खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये किंवदंतियां और कथाएं सामाजिक संबंधों और मनुष्य की प्रकृति तथा लोक जीवन की पूरी संरचना को भी समझा देती हैं। इससे कहावतों के लोकतात्विक महत्व को भी समझा जा सकता है। इस ग्रंथ में उन्होंने बुंदेली भाषा की अनेक कहावतों के रचना स्रोत के रूप में उपलब्ध किंवदंतियों और कथा प्रसंगों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए कुछ कहावतों और उनके मूल में विद्यमान कथा प्रसंगों पर चर्चा की जा सकती है। जैसे एक कहावत है, अमर नाव के मरतों देखे चूलो फूकत लाखन रा, धनपत कंडा भी नत देखे तुमई भले मोरे ठनठन रा। किसी समय की बात है, एक गांव में ठनठन नाम का एक आदमी था। वह अपने नाम के कारण बहुत शर्मिंदा रहता था, क्योंकि लोग उसके नाम की हंसी उड़ाते थे। दुखी होकर उसने नया नाम रखने की ठानी। नए नाम की खोज में चलते चलते वह गांव में पहुंचा। वहां ठनठन की मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम था लक्ष्मी। ठनठन ने सोचा, इतना अच्छा नाम है तो यह बहुत धनी होगी। लेकिन यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि लक्ष्मी नाम की वह महिला उपले थाप कर अपना गुजारा करती थी। उसके हाथ से पानी पीकर ठनठन आगे चला। चलते चलते अगले गांव में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात लाखन नाम के एक व्यक्ति से हुई। ठनठन ने सोचा, यह नाम अच्छा है तो यह आदमी अवश्य ही लखपति होगा। लेकिन यह देखकर ठनठन को बड़ा दुख हुआ कि लाखन बेहद गरीब था और दो दिन से भूखा भी। ठनठन आगे चला। चलते चलते अगले गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति मर गया है। लोग उसकी अर्थी ले जा रहे थे। ठनठन ने सोचा, अब तो यह आदमी मर गया, अगर इसका नाम अच्छा हो तो मैं वही ले लूं। उसने लोगों से मरने वाले का नाम पूछा और यह सुनकर सकते में आ गया कि जो मरा था उसका नाम अमर सिंह था। इस प्रकार ठनठन की समझ में आया कि नाम तो केवल पुकारने के लिए होते हैं, उनका व्यक्ति के गुण कर्म से अधिक संबंध नहीं होता। अतः उसने हंसी उड़ाने वालों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दूसरी कहावत देखें, अरे बिजू के खेत के काए अपजस लेत, ना तो तय खुद खात है और ही खान न देत। इसके पीछे निहित कथा प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार एक गाय भूख से बेहाल होकर खेत में चरने के लिए घुसी, लेकिन खेत में पशु पक्षियों को डराने के लिए लगे हुए भयानक बिजूके को देखकर सहम गई। गाय बिजूके से बोली, अरे बिजूके, तू क्यों अपयश ले रहा है? न तो स्वयं इस खेत को खा रहा है और न ही मुझे खाने दे रहा है। तीसरी एक और कहावत इस प्रकार है, आस की माता कमाते को बाप, नजर की तिरिया होती की बेन, न होती का मित्र चंदन नगर में, सोवे सो खोवे जागे सो पावे। इसके पीछे बड़ा रोचक कथा प्रसंग विद्यमान है जो इस प्रकार है, एक किसान दंपति के घर काफी देर से बेटे का जन्म हुआ। मां उसे बड़ी आशा भरी नजरों से देखती थी। देखते देखते बेटा जवान हो गया। पिता ने यथा समय उसका विवाह कर दिया। उसे उम्मीद थी कि अब बेटा अपनी जिम्मेदारी समझेगा और कुछ रोजगार करेगा, पर लड़का निकला निकम्मा।
रोज घर में कलह रहने लगी। अंततः माता पिता ने उसे घर से निकाल लिया। घर से निकाले जाने के बाद वह भटकते भटकते दूसरे राज्य चंदन नगर में पहुंच गया। वहां के राजा को अपनी बेटी के लिए वर की तलाश थी। दरअसल बेटी का कई बार विवाह हो चुका था, लेकिन वह विवाह की पहली ही रात को विधवा हो जाती थी। विवाह की पहली रात को राजकुमारी की नाक से एक नागिन निकलती थी और वर को डस लेती थी। ऐसी राजकुमारी से भला कौन विवाह करता? राजपुरुषों ने इस अजनबी लड़के को देखा तो विवाह के लिए पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। मरता क्या न करता, राजकुमारी से लड़के की शादी हो गई। पर वह सारी बातें जान चुका था, इसलिए प्रथम रात्रि को उसने अपने साथ कटार और नमक रख लिया। तीसरे पहर जब नींद आने लगी तो लड़के ने कटार से खुद को घायल कर लिया। दर्द को बढ़ाने के लिए घाव पर नमक छिड़क लिया। पीड़ा से कराहता रहा और सोया नहीं। जैसे ही राजकुमारी की नाक से नागिन निकली, लड़के ने झट से कटार के वार से नागिन को काट डाला। यह सब जानकर राजा ने उसे युवराज बना दिया। अतः कहावत चल पड़ी कि जो व्यक्ति जागता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, जो सोता है उसे कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को राज्य मिल गया। अब अगली एक और कहावत, क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, कहे बिन रहा नहीं जाता। कहा जाता तो मां मारी जाती, रहा जाता तो पिता कुत्ते को खाता। इसके पीछे भी एक अत्यंत रोचक कथा प्रसंग है, वह इस प्रकार है। एक गांव था, उसमें एक ठाकुर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। ठाकुर मदिरा पान और मांसाहार का शौकीन था और बड़ा क्रोधी भी। एक दिन वह डेढ़ सेर बकरी का मांस लाया और पत्नी को पकाने के लिए कहकर स्वयं मदिरा पान में व्यस्त हो गया। ठाकुराइन किसी कार्य में व्यस्त थी कि तभी ठाकुर का पालतू कुत्ता रसोई में घुस आया और उस मांस को खा गया। ठाकुराइन ने यह देखा तो डर से कांप उठी कि मांस में मिलने पर शराबी पति उसे मार डालेगा। ठाकुराइन ने कोई चारा न देखकर कुत्ते को मारकर पका दिया। जब नशे में धुत ठाकुर खाने के लिए बैठा तो इस सारे घटनाचक्र से परिचित उसका बेटा असमंजस में पड़ गया कि क्या करे क्या न करे, क्योंकि उसको पता था अगर वह सीधी कहानी ठाकुर को बताता तो मां को ठाकुर मार देता और लड़का चुप बैठता तो ठाकुर यानी पिता कुत्ते का मांस खा लेता। वह चाहते हुए भी कुछ कह नहीं सकता था और चुप भी नहीं रह सकता था, तभी से यह कहावत चल पड़ी। पांचवी एक और कहावत इस प्रकार है, जाव तो ऐसे जइयो जैसे वे गए थे, ल्याव तो ऐसे ल्याइयो जैसे वे ल्याए थे, खाओ तो ऐसे खाइयो जैसे उनने खाओ, तो बैठो तो ऐसे बैठियो जैसे वे बैठे थे। इसके पीछे कुछ मान्यताएं और आदर्श निहित हैं, जो इस प्रकार है। वस्तुतः इस कहावत में मरने, लाने, खाने और बैठने के चार आदर्शों का उल्लेख है, जिनका संबंध भारत के पौराणिक इतिहास से है। यहां कहा गया है कि व्यक्ति मरे तो रावण की तरह मरे, जिसे राम के हाथों मरकर वैकुंठ मिला। लाए तो भगीरथ की तरह, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाकर लोक का कल्याण किया। खाए तो भगवान शिव की तरह, जिन्होंने विष खाकर संपूर्ण जगत की रक्षा की। और बैठे तो ध्रुव की तरह, जिसने तपस्या कर अटल कीर्ति अर्जित की। एक और रोचक कहावत देखें, दक्षया लैबो तो आसान
पसीदो दैवो कठिन। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक अहीर रहता था। उसने दीक्षा लेने के लिए पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा बैठ जाओ, तो अहीर ने पंडित से कहा बैठ जाओ। पंडित बोला तुम बड़े मूर्ख हो, अहीर भी बोला तुम बड़े मूर्ख हो। विवाद बढ़ गया तो अहीर ने पंडित जी की ठुकाई कर दी। पंडित जी मार खाकर घर लौटे, उन्हें खाली हाथ आए देखकर पंडितायन को क्रोध आ गया। उधर मूर्ख अहीर ने सोचा कि दीक्षा तो ले ली पर पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। उसने दक्षिणा की सामग्री यानी सीधा दे आने के लिए अपनी पत्नी को पंडित के घर भेजा। पहले से क्रोध में भरी हुई पंडिताइन उसे देखते ही उबल पड़ी और पंडिताइन ने अहीर की पत्नी की मरम्मत कर दी। आहत पत्नी के घर लौटने पर अहीर ने जब पूछा कि दक्षिणा दे आई क्या, तो उसने उत्तर दिया दीक्षा लेना तो आसान है लेकिन दक्षिणा देना कठिन। बस तभी से यह कहावत चल पड़ी। एक अत्यंत अर्थगर्भित कहावत और देखें। नंगी नाचो पूतों खाए, राम धई जेई आए। इस कहावत के पीछे यह कथा प्रसंग निहित है कि एक परिवार में जेठानी और देवरानी साथ रहती थी। दोनों निसंतान थी। कुछ समय बाद देवरानी ने पुत्र को जन्म दिया। इससे ईर्ष्यावश जेठानी प्रतिदिन देवरानी और उसके पुत्र को कोसने लगी। एक दिन उनकी सास मर गई। जिठानी ने इसके लिए देवरानी के पुत्र को जिम्मेदार ठहराया। वह रात दिन भजन पूजन करती और सोचती कि लड़का न सही लड़की ही हो जाए। इसके लिए वह तांत्रिक के पास गई जिसने देवी के चरणों में किसी बालक की बलि चढ़ाने का सुझाव दिया। मौका देखकर जेठानी ने तांत्रिक द्वारा देवरानी के बेटे की बलि दिलवा दी। खोजने पर उस बच्चे की लाश नाले के पास मिली। देवरानी विलाप करने लगी। जेठानी ने खुद को बचाने के लिए यह प्रचार किया कि देवरानी ने रात में खुद अपने बेटे को मारा है। विवाद बढ़ गया। मामला पंचायत में पहुंचा। पंच यह मानते थे कि मां अपने बेटे को नहीं मार सकती, परंतु उनके पास जेठानी के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए पंचों ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी निर्वस्त्र होकर पंचों के सामने आ जाएगी वह निर्दोष मानी जाएगी। देवरानी ने सोचा पुत्र तो मर गया, अब मैं कुल की लाज और समाज की मर्यादा क्यों छोड़ दूं। अतः वह पंचों के सामने कपड़े पहनकर ही आई। लेकिन जेठानी निर्वस्त्र होकर पंचों के सामने खड़ी हो गई। सभी पंचों ने जेठानी को ही हत्यारिन घोषित किया और माना कि समाज की मर्यादा को छोड़कर उसी ने ईश्वर की कसम खाकर झूठ बोला है। अगली एक और कहावत इस प्रकार है। समय समय की बात है, समय होत बलवान और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। आप समझ सकते हैं कि इस कहावत का संबंध महाभारत युद्ध के बाद की एक प्रसिद्ध घटना से है। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। दोनों पक्षों में विधवा औरतों की संख्या अधिक हो गई थी। अर्जुन धनुर्धर एवं वीर थे। श्री कृष्ण ने कहा मेरे सखा इन औरतों को मथुरा एवं इंद्रप्रस्थ सकुशल पहुंचा दो, ये बड़ी दुखी हैं। अर्जुन सबको लेकर चले। रास्ते में बड़ा घनघोर जंगल था। उसी जंगल के भीलों ने अर्जुन के काफिले पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन इतने वीर एवं बलवान होते हुए भी कुछ न कर सके। भीलों ने समस्त गोपिकाओं के आभूषण लूट लिए। इस प्रकार यह कहावत एक ऐतिहासिक प्रसंग की सहायता से समय की महिमा संबंधी शाश्वत
सत्य का उद्घाटन करती है। निष्कर्षतः इस चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट है कि कहावत के मूल में लोक में घटित कोई घटना या कथा प्रसंग होता है जो अपने व्यापक सामाजिक प्रभाव के कारण धीरे धीरे रूढ़ हो जाता है और कहावत द्वारा सहज ही उसका स्मरण पूरे उल्लेख के बिना हो आता है। ये घटनाएं या कथा प्रसंग ही कहावत के प्रचलन और स्वीकृति का आधार बनते हैं। कहावतों में अच्छे बुरे का विवेक नीत होता है और यह प्रेरणा छिपी होती है कि अच्छाई को बार बार दोहराया जाए और बुराई के दोहराव से बचा जाए। प्रायः देखा जाता है कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी कुंठा या भड़ास निकालने के लिए सीधे सीधे उसका बखान न करके सांकेतिक रूप से इस तरह अपनी बात को कहना चाहता है कि सुनने वाले को ठेस न पहुंचे और बातों बातों में गलती का एहसास भी हो जाए। और कहावतें निहित कथा प्रसंगों के माध्यम से अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं। इनके पीछे कुछ घटनाएं या कथा प्रसंग होते हैं जो लंबी काल यात्रा में रूढ़ ही बन जाते हैं तथा लोकमानस में स्मृति के रूप में संचित रहते हैं।